वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव। खन्ना शहर च अमलोह रोड ते सीवरेज पाइप पाउण लई पट्टी गई सड़कां कारण लोकां दा आना जाना मुश्किल हो गया है। टुट्टी हुई सड़कां ते जगह जगह खड्डियां कारण लोकां नूं मुसीबत दा सामना करना पैंदा है। बरसातां विच तां सड़कां दा होर भी बुरा हाल हो जांदा है। जेकर कोई जानी नुकसान होया तां इस दा जिम्मेवार कौन होवेगा? पता नहीं प्रशासन इस वल ध्यान क्यों नहीं दे रहा। की नगर कौंसल दे अधिकारियों नूं पता नहीं इलाके दीआं सड़कां दा की हाल है? ओह भी तां इन्हां सड़कां उपर लंघदे ही होणगे। लोकां दा कहना है कि सीवरेज लई पट्टी हुई सड़कां विच वड्डे वड्डे खड्डियां कारण कई हादसे वापर चुके हन, फिर भी पता नहीं प्रशासन सुत्ता क्यों पिया है। पता नहीं कदों इन्हां सड़कां दा सुधार होवेगा अते लोकां नूं कदों इस मुसीबत तों राहत मिलेगी। खन्ना शहर दे अमलोह रोड दे इलाके दी सब तों वड्डी सब्जी मंडी, लड़कियां दा कॉलेज अते होर भी कई स्कूल पैंदे हन। इसे सड़क उत्ते खन्ना शहर दे SDM, जज साहिबान अते होर प्रशासनिक अधिकारी दी रिहायश भी है, फिर भी पता नहीं प्रशासन इस सड़क नूं बनाउण विच क्यों तरजीह नहीं दे रहा। की नाम है जी अपना? मेरा नाम संजीव सोस्ता, एडवोकेट है। हाँ जी, की समस्या जी? की समस्या तां जी देखो, इत्थे जो सड़क है, चाहे आपां इत्थे अमलोह रोड वाली सड़क ले लो, चाहे ललेड़ी रोड वाली सड़क ले लो, चाहे समराला रोड वाली सड़क ले लो, सड़कां दा इन्ना क बुरा हाल आ। इतने कोई भी चीज़ मुश्किल ना चल रही है, ठीक है, बहुत बुरा हाल आ। जे कोई एम्बुलेंस आ जाए तो एम्बुलेंस नू जिहड़ी रस्ता उन्हें 10 मिनट का लगना, उत्थे अद्धा घंटा लग जाना। इन्हों मरीजों बहुत औखी होंगी है, इतने आन जान के विच भी बहुत औखा होता है। हुण जिहड़ा अमलोह रोड आ जी, सारी अफसरशाही इतों निकलती है, मेन कमेटी इतने आ, पर तां वी इहदा बुरा हाल आ। हुण कांग्रेस की सरकार आ जी, उरे पंजाब दे कांग्रेस की कमेटी है जी, उरे कांग्रेस का ही MLA आ। अपने शहर के रोड लिए उन्होंने की किया है, जबकि यह एक नंबर रोड बनना चाहता सीगा, कुछ नहीं किया है। जो हम इलेक्शन कॉल आ जाने आ, फिर यह थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होने लग जाना, फिर कहना जी असी आ विकास करता जी, पर विकास के नाम से तो वोटा की राजनीति होगी, तो लोगों बारे तो कुछ सोचते नहीं है। इस करके मेरी तो सरकार को भी यही बेनती आ, तो जी अपनी मौजूदा MLA साहब आ उन्होंने भी यही बेनती आ भी वोटा की राजनीति छड के अपने रोडा वाल पहला ध्यान देन। इतने बाकी असं तो आम आदमी पार्टी असी जरा फुल सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले दिनों के यही रोडा देखो, जो इतने आम आदमी पार्टी आँदी है, पंजाब आने वाली आम आदमी पार्टी आँदी है, तो एक नंबर रोड बनो, ये मेरी गरंटी है जी। ओके, हाँ जी, किनो जी अपना जी? बलवंत सिंह लोहत। अच्छा, की कहना जी थोड़ा? असं ये कहना चाहते हैं, असं ऐसे अमलोह रोड के निवासी हाँ, पर असं बड़े नरक की जिंदगी ज्यो रहे हाँ। पिछले कई सालों तो इसे रोड का यही हाल आ, प्रशासन बहुत वड्डे वड्डे दावे करता भी असी इन्ना डिवेलपमेंट कराती, तुहाडे डिवेलपमेंट सामने ही आ। कोई मरीज नूं जे सिविल हॉस्पिटल पहुँचना पैंदा तां अद्धा पौना घंटा लग जांदा सिर्फ सिविल हॉस्पिटल। सारियां खन्ने दियां मेन कलोनियां इस रोड के उपर ने, मेन बसिंदे इस रोड से वसदे ने, पर कोई भी किसी तरह की कोई सहूलत नहीं, सब सारे खोखले दावे ने। सानू प्रशासन साडी यही बेनती आ कि प्लीज़ वोटां की राजनीति छड्ड के, किसी होर तरह की राजनीति छड्ड के, प्लीज़ खन्ने की डिवेलपमेंट वल ध्यान दिता जाए, ना कि कोई आ पराली दियां गड्डियां जांदियां, ट्रालियां जांदियां ने, परसों चौथे मंडी के मूहरे इन्हां दा रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई पराली का बंडल गिरदे रहिंदे आ। भी इस नूं बेनती है प्रशासन कि कल नूं कोई वड्डा हादसा होवे भी उस तों पहलां इह चीज़ वल पूरा ध्यान दिता जाए। धन्यवाद। मैं गुरचरण सिंह चन्नी बहुजन समाज पार्टी तो अज इतने अमलोह रोड से पत्रकारों नाल गलबात करन वास्ते इतने पहुँचे हाँ। जिहड़ा अमलोह रोड का इन्ना इतने गंदा हाल आ, बुरा हाल है, जाम लग जाता शहर के सारे पासे, सारिया सड़क इन्होंने पट्टिया हुई ने, सरकार भी इन्हों की रैली, सरकार इन्हों की खुद हैगी मौजूदा, तो कमेटी भी इन्हों की रैली, इन्होंने शहर बारे कांग्रेस पार्टी वाले ने कुछ नहीं सोचा हैगा, लोगों बारे शहर की जनता बारे कुछ नहीं सोचा, चारे पासे सड़क पट्टिया पईआं ने, लोग बहुत परेशान ने, जनता बहुत परेशान आ। इस पासे वल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, शहर के विच कांग्रेस पार्टी वालों टायर फूके जा रहे हैं, जिदे नाल अथाह प्रदूषण फैल रहा। एक पासे तो किसानों को कहते हैं तुसी पराली नूं अग नहीं लाउणी, ये खुद शरेआम टायर फूक के प्रदूषण फैला रहे हैं। रोस करन दा होर भी तरीका हुंदा, होर तरीके नाल रोस कर सकते सी, पर हुण जे इन्हां ते परचा ना होया कांग्रेस पार्टी वालिआं ते, तां किसान भी पराली फूकणगे, उन्हां नूं कोई नहीं रोक सकता।
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਲੈਂਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।